हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पारिस लर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट की, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट हमारे पास प्रायर या आफ्टर नॉलेज है, जो कि हमें हेल्प करती है मीनिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में। इसको हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज भी कहते हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। इसको हम कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू व्हाट हैज बीन सेड ऑलरेडी इन द अटरेंस, जो कि पहले ही अटरेंस में कहा गया हो उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारी हेल्प करता है बात को समझने में कि एक्चुअली में किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि सेट ऑफ अदर वर्ड्स यूज इन द सेम फ्रेज और कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब वर्ड प्यूपल है। अब वर्ड जो प्यूपल है ये एक होमोनिम है, इसका मतलब एक स्टूडेंट भी हो सकता है और इसका मतलब जो है वो आई का प्यूपल भी हो सकता है। अब जब तक मैं पहले इससे पहले वाले वर्ड्स नहीं बोलूंगी, तब तक हमें जो है वो आपको समझ नहीं आएगी कि अच्छा ये किस प्यूपल की बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग यूजली बाय मीन्स ऑफ लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले जो मैं वर्ड्स बोलूंगी प्यूपल का मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। If it is used in a sentence with words like teacher or classmate, you can understand that I am talking about the student. But if I say I, अगर मैं इस pupil से पहले I का word बोल दूँ तो आपको पता लग जाएगा कि मैं जो आँख का pupil है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, example देख लेते हैं। Her pupils were large, making her eye look dark. देखें अब यहाँ पर मैंने जो बाद में यूज़ किया हर आईज, अब ये जो मैंने बाद में यूज़ किया है ये हमारे पास लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट है, जिसकी वजह से हमें ये वाले जो पीपल का वर्ड है उसका मीनिंग अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है, द टीचर इज नॉट हियर, पीपल्स आर वेटिंग फॉर हर। अब यहाँ पर जो मैंने टीचर का वर्ड यूज़ किया है, जो पहले मैंने रेफरेंस दिया है, जो कि जिसकी वजह से हमें पीपल का मीनिंग समझ आ रहा है, इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें पीपल और टीचर के जो वर्ड्स हैं इनको हम कह रहे हैं लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।